कांग्रेस को देश की सुरक्षा की परवाह नहीं, देश की रक्षा करने वालों की परवाह नहीं। कांग्रेस की सोच क्या है इसका एक और उदाहरण दिखाई देता है कर्नाटका में। आप हैरान हो जाएंगे जो बात मैं बता रहा हूं, और आपके अगर कोई मीडिया के दोस्त हो तो उनको भी जरा फोन करके पूछ लेना कि इतनी बड़ी बात आपने मीडिया में छापी क्यों नहीं, टीवी पे दिखाई क्यों नहीं, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, राजस्थान की हर मां का खून गर्म हो जाएगा। राजस्थान की हर मां ये कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, वो जानकारी मैं आपको देता हूं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस कर्नाटका में एक सरकार चला रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री के पिताजी कभी भारत के प्रधानमंत्री थे कुछ समय के लिए, उन्होंने बयान दिया मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री तो जवान है, सोते नहीं है, जागते हैं। उन्होंने बयान दिया, माताएं बहनें मेरी बात सब दूर पहुंचाना, हर नौजवान से कहता हूं, हर मां बहन से पानी हाथ में लेकर के उनसे बात करना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये मुख्यमंत्री के शब्द है, कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को चलाती है उसके मुख्यमंत्री के शब्द है। उन्होंने कहा, सेना में वही लोग जाते हैं जिनके पास दो वक्त का खाना नहीं है, भूखे मरते हैं, पेट भरने के लिए सेना में जाते हैं। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या राजस्थान की इस धरती के हजारों लाखों सपूत क्या पेट भरने के लिए सेना में है? क्या राजस्थान की धरती उन्हें दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रही है? ये हमारी वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? हमारे वीर बेटों का अपमान है कि नहीं है? साथियों, कांग्रेस के छोटे बड़े सब नेताओं का मौन इस निंदनीय बयान का समर्थन करता है, समर्थन करता है। ये मेरा कांग्रेस के नेताओं पर खुला आरोप है। ये राजस्थान के एक एक कांग्रेसी बच्चे को पूछिए, क्या बात करते हो? जो सीने पर गोलियां खाने के जाता है उसको कहते हो रोटी खाने निकला है? ऐसे लोगों को माफ करोगे कि नहीं करोगे भाई? ये वीरों की धरती है, क्या ये राजस्थान का अपमान नहीं है? यहां का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका बेटा या तो सेना में जिंदगी गुजारी ना हो या आज अभी सीमा पर खड़ा ना हो, ऐसा कोई परिवार नहीं। क्या ये देश की वीर माताओं का अपमान जो अपने लाडले को इसीलिए सीमा पर भेजता है ताकि वो देश की रक्षा कर सके, जो अपनी मां से भारत मां को महान मानता है, वो बेटा मातृभूमि के लिए मरने के लिए निकलता है? भाइयों, क्या देश के वीर जवानों का अपमान नहीं है जो दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं? साथियों, कांग्रेस के मन में कभी देश की रक्षा करने वालों के लिए सम्मान नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस ने कभी उनके हितों के बारे में नहीं सोचा।